नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव की सुनवाद से ही जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। आपको बताने चले कि जो बिहार की राजनीति है वो लगातार गर्माती ही जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको बताने चले कि लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है और साफ तौर पर लिखा है कि नीतीश अब तू थक गए हैं, अब रहे दे। इसको लेकर जब हमने जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी से बात की तो उनका साफ तौर पे वो लालू प्रसाद यादव पे निशाना बोला है उन्होंने, और साफ तौर पे कहा है कि जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजायाफ्ता है वो दूसरों को नसीहत क्यों दे रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार की जनता इन्हें पुनः मौका देगी तो ये फिर से बिहार को लूट खसोट कर करके रख देंगे। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। क्या है इस ट्वीट के मायने? कौन लालू जी को सीरियस ले रहा है? लालू जी काहे के लिए जेल में पड़े हुए हैं? अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब आप नीतीश जी को कह रहे हैं कि आराम कीजिए, कि इनको और फिर मौका दीजिए, फिर वही करेंगे जो पहले 15 साल किए थे। तो आपने सुना जेडीयू कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी साफ तौर पर राजन सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जो आपने भ्रष्टाचार किया था चारा घोटाला में आप खुद सजायाफ्ता है तो दूसरों को नसीहत नहीं दें। वहीं उन्होंने बिहार की जनता से भी यह कहा है कि बिहार की जनता इन्हें पुनः मौका देगी अगर तो ये फिर से लूट खसोट करके बिहार को बर्बाद कर देंगे। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष को निशाना साध रहा है। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से दल को फायदा होगा वो तो 10 नवंबर को पता चल जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि जो बिहार में जनसभाएं हैं वो भी लगातार जारी है। बीजेपी के द्वारा ही सबसे पहले जनसभा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में गया के गांधी मैदान से किया था। उसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं वो लगातार जो सभाएं हैं बिहार के अलग अलग जिलों में वो संबोधित कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष भी लगातार विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है उनको लगातार घेर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 10 नवंबर को महागठबंधन की जीत होती है या एनडीए की पुनः सरकार बनती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।